Sri Kesargarh Sahib in Anandpur Sahib to perform the seva. Security has also been heightened at the Gurdwara given the kind of situation that has prevailed. Now, viewers, BJP is now addressing a press conference on the opposition, disrupting the proceedings of the parliament this morning and forming, in fact, the human chain to address the issue on Adani. Let's cut across. महत्वपूर्ण कोण की तरफ राहुल गांधी आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है दिस इज सीरियस बिजनेस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया व्हेन ही ट्राइज टू बिट्रे हिज ओन मदरलैंड जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है कैसे द्रोह कर रहा है क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं नहीं एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी आप याद करिए जुलाई फर्स्ट 2021 ट्वेंटी, ट्वेंटी वन जुलाई फर्स्ट 2021 का समय बड़ा खराब समय था पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने अपना दो वैक्सीन भी डेवलप किया था वैक्सीन मैत्री चल रही थी उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए और ठीक उसी समय जुलाई एक 2021 में ये ओ सी सी आर पी इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने 324 मिलियन डॉलर्स वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया इससे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट कई लोग विश्व में कई लोग बनाते हैं भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था आज भी वो स्थान बरकरार है हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर और तुरंत फर्स्ट जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को और सेकेंड जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे को में ले लिया तुरंत और इसमें पते की बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि ओसीसीआरपी ने पहली बार फर्स्ट जुलाई को छाप दिया यह जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है मगर जब ओसीआरपी ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अर्थात ओ डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज डिक्टेशन उनका है राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं दूसरी बात आप याद करिए ये ओ ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति हैं उनके ऊपर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब बार बार उनके ऊपर आघात करना कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो यह बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है भारत के उद्योगपति भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है टू ब्रिंग एनर्थक्ट्स ऑफ इंडिया टू टैंक दी मार्केट्स ऑफ इंडिया इंडियन मार्केट भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रजीम चेंज हो जाए इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर ओसीआरपी ने अटैक किया और आप टेक्नोलॉजी देखिए जब जब ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है इनको हटाना चाहिए 18 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी ने आपको याद दिला दूं आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है हमसे भी शार्प है बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो हाहाकार वो सदन का नहीं चलना वॉश आउट ऑफ पार्लियामेंट और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड